ठीक है क्या भैया, किन्ने बनवाए थे फ्लैट? किन्ने बनवाए? बताओ किन्ने ला के दिए? अब इसे देखकर तो कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि कांग्रेस के पोस्टर पर फग्गन सिंह कुलस्ते क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा के धनौरा गांव में जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के आगमन से प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता भी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच जिम्मेदारों की लापरवाही से पार्टी की फजीहत हो गई। दरअसल राहुल गांधी की रैली के एक दिन पहले मंच पर मुख्य बैनर लगाया गया। इस बैनर में कांग्रेस के दिग्गजों की फोटो लगाकर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार कर रही थी। इस बैनर में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चूक कर दी। जिस लोकसभा में कांग्रेस अपने प्रत्याशी और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है, उसी बैनर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई है। मन में बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं। हालांकि बाद में उस पर दूसरा फोटो चिपका दिया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी से इतनी बड़ी चूक। इसे कांग्रेस की चूक कहें या षड्यंत्र, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इस समय दल बदलू भी कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो पर पोस्टर तो चिपका दिया है, पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।